हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पूजा और आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ इट्स डे टू ऑफ आवर ट्रिप। बहुत ज्यादा शोर आ रहा है पीछे से, आई एम सो सॉरी, बट वी आर गोइंग टू सिरोल्स्कर लेक टुडे। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट आई होप आई एम डूइंग सो। आई विल टेक यू गाइस टू माय ट्रैकिंग जर्नी व्हिच आई विल हिट इवेंचुअली। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी ट्रैवलर इज लाइक नॉट वर्किंग एंड वो हीट अप हो गई है, और ऐसा पहाड़ों पे हो जाता है। दैट्स व्हाट वी गॉट टू नो एंड नाउ वी आर हियर, वी आर वेटिंग फॉर इट टू कूल डाउन। सून आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू दिस ट्रैक। जस्ट लुक एट दिस। साल भर, दो साल, जिंदगी भर किया हुआ मिट्टी कर, एक गलती कर दो, एक गलती कर दो, ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरा बड़ा मन करता है कि मैं एक बार बादल खाऊं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बट उसमें एक बादल जाएंगे ना। आपने बादल लड़के की बात तो नहीं करी जिसमें स्मेल आ रही है? अरे नहीं यार, एक बादल टाइप की। फोटो हो जाए, बहुत अच्छे कौन सा करते हैं विकास? विकास बहुत अच्छे लोगों के साथ। आगे पीछे कोई नहीं है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तो बन भाई जुबान ही निकलती है। नीचे जाना, ऊपर जाना है। सो गाइस, हम कर रहे हैं सरोस्कर लेक का ट्रैक। मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊंगी, बट अब मैं आ गई हूँ एंड इट इज अमेजिंग। मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा पहली बार, बट स्टिल तक मैं पहुंचना चाहूँगा। आई कैन नॉट टेल कि ये सिंपल था कि इजी था, बट स्टिल बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई गाइस, इतनी तेज़ बारिश। एंड थैंकफुली ये जो टेंट आप पीछे देख रहे हो इसमें हम रुके, हमने पी बहुत मज़ेदार चाय, और अब हम जा रहे हैं। पहली बार लाइफ में मैं अपने मोटिवेशनल कोट्स पढ़ के खुद मोटिवेट होकर ट्रैक करने आ गई हूँ। आई जस्ट डोंट नो कि मैं पहुँचूंगी कि नहीं पहुँचूंगी, बट आई होप मैं पहुँच जाऊँ। ट्रैक का शॉप आपका है या दीदी का है? आपका शॉप है ट्रैक का या दीदी का है या दोनों का है? शॉप मेरा, मजबूरी उसकी है। मेरी और मेरा ऐसा है, शौक भी मेरे हैं और मजबूरी भी मैं खुद ही बना देती हूँ कि भाई क्यों ट्रैक करनी है। ट्रैक पे लाने की भी जिद मेरी होती है और फिर रोने की भी मेरी होती है।
लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस टेम्पल. तो माना जाता है एक ब्राह्मण फ्रॉम अ नियर बाय विलेज केम टू विजिट सिरोलसर लेक और लेक में डूब गया. बूढ़ी नागिन ने उसकी जान बचाई और उसको अपने गोल्डन पैलेस में, जो कहते हैं लेक के सबसे नीचे है, वहाँ पे रखा. बट एक प्रॉमिस मांगा कि वो किसी को उनके बारे में या उनके पैलेस के बारे में ना बताए. 3 साल बाद जब वो अपनी फैमिली से मिला तो उसकी फैमिली ने ऑब्वियसली पूछा कि वो इतने साल कहाँ था. एंड ब्राह्मण केप्ट डॉजिंग द क्वेश्चन, बट एक दिन सब कुछ बता दिया. जैसे ही वो उनके पास आए, एक एक करके मिस्टीरियसली उनकी डेथ होती गई. यहाँ पे लोग मानते हैं कि बूढ़ी नागिन को छेड़ना नहीं है, लाइक उनकी लेक के आसपास नहीं जाना हो, पैर डिप नहीं करने, नहाना नहीं है, एंड इन फैक्ट जब लेक फ्रोजन भी हो तब भी उससे दूर ही रहना है. एनी वन ऑफ अस वांट्स टू ऑफर एनी प्रेयर्स टू हर, वी जस्ट नीड टू गो टू द टेम्पल एंड ऑफर आवर प्रेयर. तो मैं देखो सैनिटाइजर मत छूना ना, बोखला जाओगे. ना मुझे ना ऐसे मोमोज भी खाने का मन करता है, क्योंकि ऐसा कुछ तो डिफरेंट तो लग रहा है ना. अंकल आप लोग कितने साल से हो यहाँ पे? 30 साल. तो आप मतलब यहाँ सैटरडे संडे में आ जाते हो या कैसे? नहीं, आजकल तो डेली होते हैं. अच्छा डेली, अभी सीजन चल रहा है इसलिए. सीजन टाइम तो ही सर्दी में चले जाते घर. सही है, यहाँ बर्फ पड़ती है ऊपर पूरी 5-6 फुट बंद हो रहा. और ये तो ये बर्फ में हो जाती है लेक पूरी जम जाती है. ये बिल्कुल जम जाती है. कब तक कब जमती है? दिसंबर जनवरी. नहीं तब तो खुलता भी नहीं होगा, आने के लिए तो नहीं आते हैं लोग. मैं व्लॉग्स दिखाऊंगा यार आपको. बंदे इतनी चले लोग, अच्छा खुला रहता है. आपकी जैसे दुकानें वगैरह तो बंद रहती होंगी, खुल वो भी खोल देते हो? अच्छा अच्छा, ऐसा होता होगा कि ज्यादा बर्फ पड़ी तो अंकल चले गए, अगर कम है तो कर रहे हैं. तो यहाँ जानवर वगैरह तो नहीं है? नहीं. ये तो ये बड़ा गर्म, वैसे गर्माहट दे रही है ये. कुछ भी जाए तो टीन गर्म रहती है, फिर वो काम करती है. तुम झपट्टा खाओगी? कैसे पकड़ रहे हो भाई? और कैसे पकड़ेंगे? हेलो किट्टी, मैंने कभी किसी बिल्ली को हाथ नहीं लगाया. ये कुत्ते जैसे ही है, इसके बाल तो यार रो रही है. गौतम तुमने इसे क्या दबा दिया? पंजे निकले हुए. अंदर उधर से
Hey guys, we are here at Choi Waterfall and just look at this. This is so beautiful. I'm sorry, everyone is speaking. They're so excited because the trek was so, so tough. And just look at this. This is so cool. Hey guys, I am just coming back from Choi Waterfall and these cuties just help us find water. So what happened was, it's a very rough trek, I would say. Does not have any roads. You'll need to be on your own and make sure you're wearing shoes which are specially for the trek. I mean, it's a very hard trek. Hum upar gaye the Saroskar Lake. I just don't know if I'm pronouncing it right because I just don't know how to pronounce it. But yeah, if you are going there, it's still fine. But this particular trek is so damn hard. You really need to take care of yourself. So make sure you wear the right shoes. Do not carry any luggage. Just have lots and lots of water with you because you won't find water anywhere until you reach waterfall. Or waterfalls aapko bharna padega. So you must carry bottles. And yeah, I think that's most of it. All in all, the waterfall is amazing. It's a must visit place, but still be careful. And if you ever plan to go to Choi Waterfall, so make sure you have the best kind of shoes with you because you need that grip. You will need that grip. Hi guys, this is the last day of our trip. You can clearly notice that my voice has gone, and this is sort of a view from our hotel. It was an amazing trip, you guys. I just enjoyed my time here. Tirthan Valley, Jibi itself is a beautiful place, and if you are a lover of nature, good chill vibe, then this is the place for you. I had a very good time with my husband and a lot of people who we just met on this trip. I just thought ki abhi aake aap logon ko bata deti hu that it has been an amazing journey till now. And thank you so much for staying connected abhi tak, for watching my vlog 1 if you did. जब तक आप ये देख रहे होगे शायद व्लॉग 1 जा चुका होगा एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ व्लॉग 2. व्लॉग 1 मैं एंड करना भूल गई थी बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू लीव दिस व्लॉग ऐसे ही. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. इफ यू आर ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, चेक आउट ऑल माई वीडियोज़. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई मेक प्रीटी ऑसम कॉन्टेंट ऑन ऑल माई सोशल्स, सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड स्नैपचैट. And guys, I'll see you in the next one. Bye.